करके प्रेस करके चल। तो आप लोग होप सब लोग अच्छे हो गए, अच्छा करते रहोगे। सो हम आ चुके हैं पावर लिफ्टिंग जिम में। सो आज अपना सिंगल शॉट चालू हो रहा है। आज कितना हमारा RP6 पे स्क्वाट्स है और बेंच भी हैवी है, उसको मजा आएगा। प्लस आज अपना समीर का वॉल्यूम PR है, आज वो 127 का 3 उसको मारना है और अलग ही जोन है यहाँ पे, बिकॉज ये प्रॉपर पावर लिफ्टिंग जिम भाई ने बनाया और हम चारों भी लिफ्टर्स हैं यहाँ पे। सब लोगों ने बहुत मेहनत करी और कमर्शियल जिम में जो वाइब आती है उससे यहाँ पे बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे भी म्यूजिक स्टार्ट हुआ, हम लोग सब ट्रेनिंग चालू करेंगे, तो आज देखते हैं एक हाइप बढ़िया से क्रिएट करते हैं, एक दूसरे को पुश करना है और आगे बढ़ना है। दोनों में कॉम्पिटिशन है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. My way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. पूरी जान लगाएंगे। ईशा बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी तो पर्सनली बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना उम्मीद मेरे को मेरे से है उतना ही बहुत लोग मेरे से कर रहे हैं उम्मीदें। सब मेहनत में पानी नहीं फिरना, लास्ट कितने महीनों से मैंने जो मेहनत किया है उसका और आगे जाके जो मैं करने वाला हूँ बस दिखाना है, इसी को रीज़न नहीं देना है। क्योंकि मेरे पास अभी भी 4 वीक है, 4 वीक में मैं जितना पुश कर सकता हूँ मैं करूँगा। लेट्स गो, कम ऑन, वी गो बिग। अभी 160 का 3 लेते हैं, RP7 बोला है, उन RP5 पे मार के ट्राई करेंगे। लेट्स गो, लेट्स गो, वी गो बिग, वी गो बिग। Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks. Then eat it!
say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. मेन सेट डन. ये भी एक सेकंड मेन सेट है अपना. इसका आरपी 790 का 3 मानना अपने को. सो होप सो अच्छा आना चाहिए. आज मैं एसबीडी के साथ यूज कर रहा हूँ, फ्रेंड के है, बिकॉज मेरे को अभी एशिया में एसबीडी का यूज करना पड़ेगा. सो मैंने मंगवा भी लिया मेरे लिए. ये स्टिफ वाले है, मैंने अलग वाले मंगवाए. एसबीडी अभी इंडिया का सिंगलेट भी मेरे को देगा, तो उसके साथ स्ट्रैप्स भी मिलेगा. सो वो भी अच्छा होना चाहिए और अच्छा ही रहेगा. सो फटाफट मारते हैं. You can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. चल बहुत ब्रेक हो गया. अब बात हुई है, बोला है मारना है. चल इजी. चल फॉर द डे अच्छा आया. क्या ही हाइप था, मेरा गला दुखने लगा. समीर ने नेशनल रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया और क्लियर किया उसने. लाइक उसकी कैटेगरी 66 में 137.5 बेंच प्रेस का नेशनल रिकॉर्ड है. उसने 138 मारा, वो भी फटीक में. वो कंटिन्यूसली पीक पे है और आज उसने 138 बहुत इजी मारा. और मेरा भी क्या ही वाइब था, मैंने आरपी 5-6 पे 170 मारा है. सो एशिया के लिए तो मजा आएगा. पूरा एफर्ट डालेंगे हम. 3 वीक बाकी है, 2 वीक पीक का, 1 लोड का. सो वैसे ही एफर्ट डालेंगे, पूरी जान लगाना है, रुकना नहीं अपने को. मैं एक भी दिन ऐसा छोड़ना नहीं चाहता हूँ. मैं लखनऊ में आया हूँ, मैं चाहता तो मैं बस घूम के ये वर्कआउट फिर मुंबई में रिटर्न जाके कर सकता है, बट मैंने बोला नहीं. मैं भले ही लखनऊ आऊँगा, लेकिन मैं मेरा वर्कआउट कंप्लीट करूँगा. सो मैंने समीर को कॉल किया, अभिषेक को कॉल किया कि मेरे को वर्कआउट करना है. उन लोगों ने मेरे को बेस्ट जिम मिला है, जो जिम मेरे को मुंबई में भी नहीं मिलता वो जिम में लेके आए. और जो बंदे का ये जिम है वो भाई भी ग्रेट है. थैंक यू, मैं हमेशा उसको बोलूँगा. वैसे जिम में मेरे को ट्रेनिंग करने को मिल रहा है. बस 3 वीक है, पूरी जान लगाना है. हम 9 तारीख को रात को निकलेंगे मलेशिया के लिए. मुंबई से केरला जाना है, केरला से फिर मलेशिया जाना है. सो मिलते हैं, सब अपडेट देता रहूँगा मैं वैसे मेरे एशिया की प्रेप के लिए. सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. सी यू, वी गो बिग, लेट्स गो.